हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 1 जून 2023। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। ओके, HDFC बैंक की बात करें तो कल ऑलमोस्ट 5 जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, 5-6 स्टॉक्स, उनमें से 4 स्टॉक्स ने अपने सेकेंड टारगेट हिट किए हैं ना। सो HDFC बैंक भी उनमें से एक था, ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट हिट किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो देखो, जब तक ये इसको नहीं ब्रेक कर लेता है ना, काफ़ी क्लोज है, इसको ब्रेक करेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग और स्ट्रॉन्गली देखने को मिलेगी हमें ना। अब बात कर लेते हैं अभी क्या है। तो 1613, ठीक है, 1614 के ऊपर अगर यहाँ सर्वाइव करता है तो वन सेकेंड ये पुल बैक करने की कोशिश करेगा और ये इस लेवल तक जाने की कन्फर्म कोशिश करेगा ना। यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था, अब रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर 1614 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा दैट इज़ 1626 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकंड टारगेट जो होगा दैट इज़ 1641। ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल सकते हैं। SL क्या लेके चलना है तो 1609 का हम SL लेके चलेंगे। सेलिंग की बात करें तो 1602 के नीचे, यानी जो आज के लो के अराउंड ही है ना, 1602 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे 1592 एंड 1582। ठीक है, 10-10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। हाँ, SL इसमें 1610 का बनेगा। ठीक है, बाइंग में 1609 का और सेलिंग में 1610 का। ठीक है, जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश है। अब नेक्स्ट देखते हैं कल क्या होता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी जैसे HDFC बैंक ने हमें सेकंड टारगेट हिट किए थे, वैसे एक्सिस बैंक ने भी सेकंड टारगेट हिट हुए हैं आज, है ना। तो प्लीज़ लाइक्स कर लिया कीजिए बीच में, एंड कमेंट ऑल्सो कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ ये चीज़ें आपको सही लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, आपके हिसाब से कौन से लेवल बन रहे हैं नेक्स्ट, है ना। तो कुछ अगर करेक्शन आपको लगता है कि इसमें करेक्शन है तो वो बता दिया कीजिए ना, बट हाँ कमेंट वगैरह किया कीजिए ना। नेक्स्ट एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, इसमें भी सेकेंड टारगेट हिट हुआ है आज। अब नेक्स्ट लेवल क्या होंगे तो 1921 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट 1928 का एंड सेकंड टारगेट 938 का। ठीक है, 920 के ऊपर 928 एंड 938। SL क्या लेके चलेंगे तो 917 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा SL रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर हम बात करें तो 911 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 900 एंड 890। ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे, एंड SL क्या लेके चलेंगे तो SL आपका 917 ही रहेगा। ठीक है, कैंडल हमारी काफ़ी बेरिश है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की, और रिलायंस में भी हमारे सेकंड टारगेट तक गया है। ठीक है, तो देखो वही कल परसों दोनों दिन डिस्कशन हुआ था हमारा कि यार इन दो कैंडल के हाई लो को मार्क कर लो, जो ब्रेक होगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट कैप्चर करेंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, एंड देखो यहाँ तक सेकंड टारगेट तक इजीली पहुँचे। अब बात कर लेते हैं कि यार नेक्स्ट क्या है। तो अगर 2464 के नीचे कल जाता है, आज के लो के नीचे सर्वाइव करता है तो 2434 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 2416 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। जैसे ही 2416 मिल जाता है तो उसके नीचे जाने के बाद तो फिर क्रैश वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। तो जब तक 2416 यहाँ तक, तो ये देखो ये कैंडल ऊपर है, ये फिर ये, और ये अगर हम देखें नेक लाइन तो ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, है ना। तो वहाँ के बाद काफ़ी बेरिश हो जाएगा। अब बात करें अब पैटर्न क्या कह रहा है, तो यहाँ एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दो, देन रेड कैंडल, यानी डॉजी कैंडल और फिर रेड कैंडल, तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है ना। इसके टारगेट भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो हो सकता है पॉसिबल जो भी हो, हम तो लेवल ट्रेड करेंगे ना, लेवल ब्रेक होगा बाय करेंगे, सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस करेंगे। ठीक है, तो अगर 2464 के नीचे बेचना है तो 2476 आपका SL रहेगा यहाँ पे ना। बाय कब करना है, 2456 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2507 एंड 2537। ठीक है, वन सेकेंड, वही टारगेट, इसके ऊपर जाएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा ना। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, तो 2473 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा इन रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर SBI। SBI में क्या हुआ, SBI तो काफ़ी
बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ एंड उसके बाद भी नीचे गिरता रहा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से लेवल बन के आ रहे हैं ना इसमें भी, यानी अगर कल कोई था तो फिर उसे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा। बट सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह से ये ज़्यादा गिरा नहीं है, 1% की गिरावट हुई है नो डाउट, है ना। बट अब देखते हैं कल के लिए ना, तो 583 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 588 फर्स्ट टारगेट होगा एंड 596 हमारा सेकंड टारगेट होगा। SL क्या लेके चलना है, तो 580 का आपका SL रहेगा, यहाँ SL गलत लिखा हुआ है, 580 का आपका SL रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सेल कब करना है, तो 575 तक हमें कोई सेलिंग नहीं करनी, क्यों, क्योंकि यार इस रेंज में काफ़ी दिनों तक सर्वाइव किया था, तो ज़बरदस्ती की सेलिंग बाइंग नहीं करनी अगर इस रेंज में, तो छोड़ देना है ना, काफ़ी दिनों तक तो यहीं ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो जब तक इस रेंज में तब तक नहीं करना। 575 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 569 एंड 567 62। ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे। SL क्या रहेगा, तो SL यहाँ पर 580 ही रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर। टाटा मोटर में क्या बन के आ रहा है, देखो टाटा मोटर में काफ़ी पैटर्न है, अगर ये देखें दो कैंडल देखोगे तो आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखेगी, ठीक है। ग्रीन ने रेड को कंप्लीटली इंगल्फ कर रखा है। सेकंड बात करें तो ये अगर पैटर्न देखोगे तो ये क्या बन रहा है, हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। और थर्ड अगर आप थोड़ा सा देखना चाहोगे, 5-6 कैंडल को एक साथ लोगे तो ये और ये, यानी ये ऊपर गया, आप डबल टॉप बन गए, है ना। अब यहाँ से एक गिरावट होगी नेकलाइन तोड़ के, तो ये 3-4 सिनेरियो बन के आ रहे हैं, है ना। जो भी बनेगा उस हिसाब से, अगर इसके नीचे जाता है लेवल ट्रेडिंग, इसीलिए लेवल ट्रेडिंग, 525 के ऊपर जाता है तो 531 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 537 सेकेंड टारगेट होगा। 525 के बाद अगर ये आपका 26 भी चला जाता है ना, 26 भी चला जाता है, तो केवल 24 का SL लगाना, जाना ही नहीं हमें नीचे, केवल 2 पॉइंट का, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसके नीचे भी नहीं आएगा, 25 का भी इवन नहीं हिट होगा, बट हाँ 24.5 का लगा देना, 0.5 का लगा देना, ठीक है। इतना SL भी हिट नहीं होगा अगर 26 चला गया ना, और अगर होगा तो फिर वो नीचे जाएगा, है ना। तो फिर हम तो मिनिमम लॉस में निकलना है ना, हमें ज़्यादा बड़ा SL का क्या करना, और यहाँ पर हम फिर पुट में भी बाय कर सकते हैं। बट हाँ, सेफर जोन कौन सा है कि अगर 518 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 512 एंड 507। ये दो टारगेट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। SL क्या लेके चलना है, तो 522 हमारा SL फॉर बाइंग साइड रहेगा, 522.5 ये SL हमारा सेलिंग साइड रहेगा। तो काफ़ी अच्छे सिनेरियोज बन रहे हैं, इसमें कोशिश करना अगर बेयरिश मूवमेंट स्टार्ट हो 518 के नीचे, तो काफ़ी अच्छा बेयरिश मूवमेंट आपको आप कैप्चर कर सकते हैं। सो क्लियर रखना टाटा मोटर्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज वही 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ आया एंड उसके बाद ब्रेकडाउन भी दिया और ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया था, वही सपोर्ट है, तो बाइंग भी आएगी, सेलिंग प्रेशर भी जनरेट होगा। बट अल्टीमेटली इसने क्या करा, एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ बना लिया है ना, तो यहाँ से चांसेस हो जाएंगे अगर थोड़ा भी मार्केट ने साथ दिया तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट लेवल क्या है, जब तक इसके ऊपर नहीं सर्वाइव करता, 2 कैंडल क्लोज करना एंड 3री कैंडल बुलिश होना, तब तक हम नहीं बाय करेंगे। और सिमिलर वे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अगर ये 2 कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो जाए और 3री बेयरिश नहीं हो जाए तब तक, है ना। तो ये हमारे पास जैसे ही ब्रेक डाउन होगा उसके बाद कन्फर्मेशन मिलेगा, हम ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। लेवल क्या है, वही लेवल है 2610 के ऊपर बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2710 एंड 2850। सिमिलर वे में डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2475 के नीचे हम सेल करेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा 2350 होगा एंड सेकेंड टारगेट 2230 होगा। SL क्या लेके चलना है, तो 2540 सेलिंग साइड एंड 2535 हमारा बाइंग साइड रहेगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर अडानी इंटरप्राइजेज। अभी कल चांसेस है रिवर्सल हो जाए, इस कैंडल को लेके चलिएगा, है ना। वैसे तो यहाँ पर आप अगर कल यहीं ओपन हो, थोड़ी देर सर्वाइव करें इसके ऊपर, तो आप रिवर्सल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और SL क्या लेगा, क्या लेना है हमें, जो इस कैंडल का लो है ना। सो दैट्स फॉर टुडे, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, है ना, कमेंट जरूर करना है। ओके, आई होप क्लियर है।